हाथरस बलात्कार कांड के विरोध में पायलट ब्रिगेड ने सौंपा जिला कलेक्टर को ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, बीटेक एमटेक पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल हसबेंड स्कूल कैंपस अजमेर। हाथरस में हुए सामूहिक बलात्कार कांड को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पायलट ब्रिगेड द्वारा काली पट्टी बांधकर इस बलात्कार कांड का विरोध करने के साथ ही जिला कलेक्टर को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की जानकारी देते हुए पायलट ब्रिगेड अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष मोहसिन खान रंगरेज ने बताया कि हाथरस में हुआ बलात्कार कांड पूरे देश के लिए शर्मिंदा कर देने वाली घटना है। इस घटना के साथ ही पीड़िता का संदेहास्पद रूप से किया गया अंतिम संस्कार भी उत्तर प्रदेश प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में संगठन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर उन्हें दंडित करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इसी संदर्भ में उन्होंने आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। भैया आज हम मौजूद हैं यहाँ पर अजमेर जिला कलेक्टर के अंदर, जो हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ परबत्ता कुंड गैंग रेप और उसकी हत्या की गई उसके विरोध स्वरूप में हमने यहाँ अजमेर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने प्रमुख मांग की है कि जिन लोगों ने ये बलात्कार किया है और इस घृणित घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कानून की जो धाराएँ उन्हें और कड़ा और सख्त किया जाए, जिसके द्वारा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति करने से पहले हज़ार बार सोचेगा कि अगर मैं ये रेप जैसी घटना को अंजाम देता हूँ तो उसका अंजाम मेरे लिए बाद में क्या होगा। और दूसरी प्रमुख मांग हमने ये की है, जो बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ रात को 2:30 बजे यूपी के प्रशासन ने जो घृणित घटना को अंजाम दिया है, उसके शव को रात को 2:30 बजे बिना रीति रिवाज के उसको दाह संस्कार कर दिया, बिना परिवार की अनुमति लिए और बिना परिवार को मुखाग्नि देने के वर्षा से उसको वंचित रख दिया, उसके लिए हमने कड़ा विरोध दर्ज कराया और हमने मांग की है कि वहाँ के यूपी के शासन प्रशासन के खिलाफ भी उच्च स्तरीय कार्रवाई होनी चाहिए और जांच पड़ताल करनी चाहिए कि उन्होंने वो लोग क्या छुपाना चाह रहे थे और किस चीज़ को सबूत को मिटाना चाह रहे थे, उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन होना चाहिए। और हमने आज यहाँ काली पट्टी बांध के विरोध जताया है और राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि वहाँ पर यूपी में सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मोहसिन खान नंगरेस, अजमेर जिला अध्यक्ष, पायलट ब्रिगेड मुख्य सेल एवं अल्पसंख्यक विभाग।